बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग पर आधारित है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। यहां पर एक 5 केजी का एक वेट रखा हुआ है, इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया ऊपर से, तो हमें वैल्यू दिखाई पड़ती है 5 केजी वेट के ही इक्वल। सेकेंड केस में हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम एक लिक्विड फिल करते हैं और अब इस 5 केजी वेट को हम इस लिक्विड में इमर्स करेंगे और फिर स्प्रिंग बैलेंस द्वारा इसका वेट मेजर करेंगे। ऐसा करने पर बच्चों हमें वैल्यू 5 केजी वेट ना दिखा के बल्कि उससे काफ़ी कम वैल्यू दिखा रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ बायोंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ब्लॉक के वेट में जितनी वैल्यू का रिडक्शन हुआ है वो वैल्यू एक्चुअल में ब्लॉक द्वारा डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर है। बच्चों प्रोसेस ये हो रही है कि आपने ब्लॉक डाला लिक्विड में, ये लिक्विड बाहर निकलता है, ब्लॉक अपने ही वॉल्यूम जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा और उस वॉल्यूम का जो वेट होगा वह हमारे बायोंड फोर्स के बराबर होगा। हम सब जानते हैं बायोंड फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है, तो उस केस में आपके 5 केजी ब्लॉक के वेट में बायोंड फोर्स जितना ही रिडक्शन हो जाएगा। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यह कहता है, अगेन मैं वही चित्र आपको दिखाऊंगा कि एयर में अगर हम इस 5 केजी वाट को मेजर करते हैं तो ये 5 केजी वेट जितनी ही वैल्यू शो करता है, जबकि अगर मैं इस ब्लॉक को वाटर में डाल दूं, वाटर फिल्ड कंटेनर में डालूं, तो यह जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसी वाटर के वेट के करस्पॉन्डिंग रिडक्शन हमें मीटर में देखने मिलता है। तो क्लियरली इस बात से एक ही इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर है, अब तो बच्चा भी बता देगा कि सर जितना पानी ये वेट डिस्प्लेस कर रहा है उतने पानी के वेट जितना इसके हमारे वाट के वजन में उतनी घटोत्तरी हो रही, उतना रिडक्शन हो रहा है। सो आर्किमिडीज ने यही कहा कि व्हेनेवर अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ नेट अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सरल शब्दों में बच्चों कि अगर आप किसी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है और वह अपवर्ड फोर्स एग्जैक्टली डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। इस एनिमेशन को बच्चों ध्यान से देखें, यहां पर एक ब्लॉक है और एक कील है। आप देख सकते हैं कि आपका ब्लॉक जो है वो मजे से फ्लोट कर रहा है पानी में, जबकि जो पिन है वो नीचे पड़ी हुई है, वो सिंक कर चुकी है। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि वुड की जो डेंसिटी है जिससे ये ब्लॉक बना हुआ है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से काफ़ी कम है, जबकि पिन जिस मटेरियल से बनी है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। बच्चों अगर हम बेसिक नेट फोर्स का कंसेप्ट लगाएं तो ब्लॉक इस वजह से फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला जो बायोंड फोर्स है, जो अपथ्रस्ट है, वो उसके वेट से ज़्यादा है, जबकि नीडल पे लगने वाला नेट अपवर्ड फोर्स नीडल के वेट से कम है। यहाँ पे हमने इन्फरेंस ड्रॉ करा डेंसिटी के टर्म्स पे कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट इज सबमर्ज्ड देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। ऑब्जेक्ट डूब जाएगा अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। एक ग्लास में बच्चों हमने 3 ब्लॉक लिए इक्वल वॉल्यूम के, बट उनका मटेरियल अलग अलग था, उनकी डेंसिटी अलग अलग थी। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्लास में, हालांकि हमने कोशिश करी ग्लासेस का साइज हम सेम रखें, तीसरे ग्लास में साइज बदल गया है, बट एनीवेज फर्स्ट ग्लास में जो ब्लॉक है उसका लेवल ऑफ सबमर्जिंग, मतलब वो जितने लेवल से डूबा हुआ है, वो काफ़ी कम है क्योंकि उसमें डेंसिटी हमने 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक रखी है। सेकेंड ग्लास में हमने जो ब्लॉक इमर्स किया है बच्चों,
उसकी डेंसिटी हमने बढ़ा दी, हमने 5 गुना उसकी डेंसिटी बढ़ा दी, डेंसिटी अब 0.1 से 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक हो गई है। आप देख भी सकते हैं ब्लॉक जो पहले थोड़ा सा डूबा हुआ था, अब डेंसिटी बढ़ाने के बाद ब्लॉक ज़्यादा डूबा हुआ है, ब्लॉक का जो सबमर्जिंग लेवल है वो ज़्यादा हो चुका है। थर्ड केस में हमने ब्लॉक की डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी, और ऐसा करने पे हमने ऑब्जर्व किया कि ब्लॉक और भी ज़्यादा नीचे चला गया है। अब बच्चों ये वाटर हमने फिल कर रखा है, अगर आपको याद हो वाटर की डेंसिटी की वैल्यू, सो इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। थर्ड केस में बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्लॉक की डेंसिटी हमने भले ही बढ़ा दी हो, हमने बहुत ज़्यादा कर दी, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक कर दी है एज कम्पेयर टू अदर टू केसेस, बट यहाँ पर ब्लॉक की डेंसिटी अभी भी वाटर की डेंसिटी से कम है और इस वजह से ब्लॉक पूरा नहीं डूबा हुआ है, ब्लॉक का एक थोड़ा सा हिस्सा अभी भी हवा में है, यानी कि अभी भी हम यही मानेंगे कि ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। अब वो बात अलग है कि तीनों में जो अमाउंट ऑफ सबमर्जिंग है कि कितना सबमर्ज है, कितना डूबा हुआ है, वो जो लेवल है वो डेफिनेटली इनकी डेंसिटी के साथ वेरी कर रहा है। अगर आप ब्लॉक की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही उसके डूबने का लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी डेप्थ जो है वो बढ़ती जाएगी। और अगर हम एक चौथा केस इमेजिन कर लें बच्चों, जिसमें हम ब्लॉक की डेंसिटी एग्जैक्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक कर दें, तो उस केस में ये जो टॉप लेवल है आपके ब्लॉक का, ये एग्जैक्ट लिक्विड के वाटर के ब्रिम तक आ जाएगा। ब्रिम मतलब जो उसकी ऊपर सतह है, उसके साथ इसकी ब्लॉक की ऊपर सतह कोइंसाइड करने लगेगी, वो जस्ट फ्लोटिंग की कंडीशन होगी, क्योंकि उस केस में ब्लॉक और हमारे वाटर दोनों की डेंसिटी बराबर होगी। उसके बाद अगर आप ज़रा सा भी डेंसिटी बढ़ाते हैं आपके ब्लॉक की, ब्लॉक नीचे सबमर्ज हो जाएगा, इट विल सिंक, वो डूब जाएगा। जनरली बच्चों हम, चूंकि अब हमने बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट देख लिया, हमने ब्लॉक को पहले हवा में रख के और फिर वाटर में रख के उसके वेट को ऑब्जर्व कर लिया, फिर ग्लास में हमने ब्लॉक को रख के धीरे धीरे ब्लॉक की डेंसिटी बढ़ाई और देखा जो उसका सबमर्जिंग लेवल है वो बढ़ता गया, तो ये सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जनरली अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट विल सिंक। नेक्स्ट, अगर लिक्विड की डेंसिटी या तो ऑब्जेक्ट के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सो इस तरह से हम कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग बना सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ द बायोंड फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो कंडीशन ना बच्चों, बायोंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एग्जैक्ट वो कंडीशन है जब दोनों की डेंसिटी बराबर होगी, यानी एग्जैक्ट ब्रिम तक, लिक्विड की ऊपरी सतह तक आपका ऑब्जेक्ट सिंक होगा, वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा। तो जनरली जो भी केसेस आप फ्लोटिंग के देखते हो, उसमें बायोंड फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड इज आइदर ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये सारी बातें सीखने के बाद अब वक्त आ चला है कि हम अपने कंसेप्ट्स को टेस्ट करें। Why does a duck float in water? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बतख जो है वो पानी में फ्लोट कैसे करती है? बच्चों बायोंड फोर्स का ही कंसेप्ट चल रहा है, तो जरा आप सोचे, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, मैं एक मिनट का समय देता हूँ आपको। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानने को मिलेगा कि डक के जो पंख होते हैं, डक्स फीदर्स हेल्प देम फ्लोट नॉट जस्ट बाय रिपेलिंग वाटर बट बाय ट्रैपिंग एयर। इनके जो पंख होते हैं बच्चों, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर आप उनके पंखों की ओवरऑल डेंसिटी देखेंगे, तो चूंकि उन्होंने एयर पार्टिकल्स को ट्रैप कर रखा है, एयर को ट्रैप कर रखा है, तो उनकी डेंसिटी तो कम होगी बट वो लिक्विड का ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि डक के ओवरऑल बॉडी वेट को काउंटर करने के लिए जो बायोंड फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो उस वजह से डक जो है वो सबमर्ज नहीं होंगे, वो डूबेंगे नहीं।
देयर फीदर्स हैव टाइनी बार्ब्स विच अलाउ देम टू लैश टुगेदर लाइक अ वेलक्रो। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एयर ट्रैप कर लेते हैं, इस वजह से ये हल्के हो जाते हैं, इनका जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कम हो जाता है। दिस क्रिएट्स अ बलून लाइक इफेक्ट लाइक ट्रैपिंग एयर बिटवीन द फीदर्स एंड द स्किन एंड दोज एयर बबल्स एड टू द डक्स नेचुरल बायोंसी। जो नॉर्मल उनका वेट होता है उसकी वजह से वो जितना वाटर डिस्प्लेस करते हैं उसका बायोंसी तो लगता ही है, साथ ही साथ ये जो एयर ट्रैप करते हैं इसी वजह से एक इनकी बायोंड फोर्स में एक एक्स्ट्रा एडिशन आ जाता है ड्यू टू एयर ऑल्सो। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होके डक्स की हेल्प करती हैं इन ऑर्डर देम टू फ्लोट इन वाटर। तो बच्चों इस टॉपिक की समरी आपकी स्क्रीन पर। द वेट ऑफ फ्लूइड इज गिवन बाय रो जी वी वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोंड फोर्स इज एप्लीकेबल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ फ्लूइड। द बायोंड फोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड और द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट वॉज इमर्स्ड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत था, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। Conditions of floating, that when the bound force acting on the body is equal to the weight of body, the body will not sink, it will float on the liquid. So condition uski finally ye nikal ke aati hai, if the density of liquid is greater than the density of object immersed, then the object will float, otherwise it will sink.